देखिए, बार बार हम लोग ये कहते रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के मित्र गौतम अडानी पूरे दुनिया में भारत का नाम मिट्टी में मिलाने में लगे हुए हैं। कभी ऑस्ट्रेलिया से उनके खिलाफ खबरें आती हैं, कभी मॉरिसस से उनके खिलाफ खबरें आती हैं, कभी मलेशिया से उनके खिलाफ खबरें आती हैं, कभी दुबई से उनके खिलाफ खबरें आती हैं। पूरे दुनिया में अडानी ग्रुप ने भारत का नाम मिट्टी में मिलाने में अपनी भूमिका निभाई है, और इसमें मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और देश की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, पूरा देश तो उनके नाम नीलाम कर ही रहे हैं, बाहर भी जाते हैं तो उन्हीं के लिए धंधा दिलाने के बारे में सोचते हैं, उनकी चिंता उसी के बारे में होती है। आप देखिए, प्रधानमंत्री की यात्राएं जहां जहां हुई हैं विदेशों की, उन सारी जगहों पे अडानी को ठेका मिला है। भारत में कोयला दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, गैस दे दिया, रेल दे दिया, सेल दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, पोर्ट दे दिया, आसमान से लेके पाताल तक, आकाश से लेके पाताल तक सब कुछ दे दिया। और ये जो मामला आया है सामने, जिसमें वहां की एक कमीशन ने ये पाया है कि लगभग $265 मिलियन की रिश्वत अडानी ने खिलाई है अमेरिका के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए, ठेका पाने के लिए, बहुत ही गंभीर मामला है। भारत के प्रधानमंत्री को सामने आकर इसका जवाब देना चाहिए। सेबी का मामला खुलता है अडानी के खिलाफ, प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। हिंडनबर्ग का मामला खुलता है, प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। और अब तो उनके बहुत ही प्यारे दोस्त ट्रंप की सरकार है अमेरिका में, उस सरकार में भी अडानी के खिलाफ यह मामला सामने आया है, प्रधानमंत्री को सामने आके बताना चाहिए। आपने एक ऐसी कंपनी को प्रमोट किया, एक ऐसी कंपनी को बढ़ावा दिया जो पूरी दुनिया में भारत का नाम मिट्टी में मिला रहा है। तो मैं समझता हूं कि अडानी के खिलाफ जितने भी मामले अब तक के पेंडिंग है, सबकी जांच सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में एक जांच एजेंसी के द्वारा कराई जानी चाहिए, और जो भी भ्रष्टाचार उन्होंने कर रखा है देश के अंदर और देश के बाहर, उसका सच देश के सामने आना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जेपीसी या पार्लियामेंट की भी किसी कमेटी की आप लोग मांग करने वाले हैं विपक्ष? अब वो हम लोग विपक्ष के लोग जब अभी पार्लियामेंट शुरू हो रहा है उस पर बैठक करके आगे की रणनीति तय करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि अब ये साबित हो गया कि प्रधानमंत्री इंडिया के लिए नहीं, अडानी के लिए काम करते हैं, देश में हो या देश के बाहर हो। आज अभी चर्चा विचार विमर्श होगा और उसके बाद जो फैसला होगा आपको बताया जाएगा। देखिए, आज की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में जो भी चर्चा होगी उसकी आधिकारिक सूचना मीटिंग खत्म होने के बाद आप लोगों को दी जाएगी। मीटिंग की बातें पहले से ही सार्वजनिक करना वो ठीक नहीं। देखिए, एग्जिट पोल ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। लोकसभा चुनाव के बाद लगातार उनकी आलोचना हो रही है जो एजेंसियां एग्जिट पोल करती हैं, लेकिन महाराष्ट्र में दो तरह के एग्जिट पोल आए हैं। कुछ लोग महाविकास आघाड़ी को जिता रहे हैं, कुछ लोग महायुति को जिता रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनाएगी, चुनाव वहां पे जीतेगी। और जो एक मैंने प्रचार में जाके वहां देखा था कि गद्दारों को माफी नहीं, तो वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी को, शिंदे को और अजीत पवार को महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा देने वाला और महाराष्ट्र के साथ गद्दारी करने वाला एक दल मानता है। 2,00,000 करोड़ रुपए की योजनाएं महाराष्ट्र से गुजरात गई हैं, उसको लेकर भी वहां पे विरोध था। सर, जेपीसी को लेकर ये कहा जा रहा है कि आखिरी बैठक हो सकती है और एक हफ्ते बाद जो है वो अपनी रिपोर्ट। अरे भाई, अभी तो 700 पन्नों की मिनिस्ट्री की रिपोर्ट पे चर्चा करना ही बाकी है। 5 राज्यों का टूर था, 2 राज्यों में हुआ, बाकी राज्यों का टूर भी नहीं हुआ है। तो ये चर्चा कहां से अपने आप चलाई जाती है,
और अगर अमित शाह जी और कानून मंत्री रैलियों में जेपीसी के बारे में बयान दे रहे हैं, रिपोर्ट आए बगैर कह रहे हैं कि हम तो बिल पास करेंगे ही करेंगे, तो ये तो अपने आप। और वैसे मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही होशियार और शातिर पार्टी है। वो इस वक्फ बिल के मुद्दे को जिंदा रखना चाहेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि मंदिर बना दिया तो उसके बाद तो वोट मिला नहीं उनको, तो इस वक्फ बिल के मुद्दे को ही वो जिंदा रखना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि इस पर रोज वो राजनीति करते रहें, और इसलिए वो पास करने की हड़बड़ी अपनी ओर से नहीं दिखाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी राजनीतिक रूप से बयानबाजी, मीडिया में बोलना, टीवी चैनल्स पे बोलना और रैलियों में बोलना, वो अलग बात। आखिरी सवाल मीरापुर को लेकर सर, मीरापुर कुंदरकी में जो यूपी बायपोल में जो तस्वीरें सामने, कल मैंने उस मामले में ट्वीट भी किया था, लोकतंत्र की जिस प्रकार की तस्वीर कल आई है वो बहुत ही भयावह है। अगर चुनाव आयोग कोमा की स्टेज में रहेगा, दरोगा रिवाल्वर तान के मतदाताओं को वोट करने से रोकेगा, तो फिर तो इस देश में तानाशाही आ चुकी है। डेमोक्रेसी कहां है? हम वोट ही नहीं डाल सकते क्योंकि दरोगा खड़ा है रिवाल्वर लेके, वो कनपट्टी पे गोली मार देगा, और इसके बावजूद चुनाव आयोग कोमा की स्टेज में है, कुछ उसको दिखता नहीं है। प्रधानमंत्री कुछ बोले, गृह मंत्री कुछ बोले, वो हेमंत विश्व शर्मा वो कुछ नफरत फैलाए, कुछ भी कहता रहे, तो मैं समझता हूं कल जो कुछ हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और लोकतंत्र में कम से कम वो घटना स्वीकार्य नहीं है। उस पर चुनाव आयोग को और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।